आओ चले अपने देश को नया भारत बनाए, नई दिशा नई उमंग की छाँव में खुशियाँ मनाते रहें, हमेशा राष्ट्र की नवनिर्माण करें और राष्ट्र की भलाई के लिए हमेशा आगे सोचते रहें। अपना देश अपना घर है और देश को एक शक्तिशाली मजबूती राष्ट्र की सदैव नवनिर्माण करते रहें। आपकी सख्त जरूरत है और अपने देश के तिरंगा आन बान शान और अपने देश की फौज को सलूट अभिनंदन करते रहें। स्वागत है अयोध्या पर्व में और आज 3 दिवसीय कार्यक्रम का जो आगाज जो है आज समाप्त हो रहा है। इसे देखते हुए अयोध्या के श्री सांसद जी को क्या कहना चाहते हैं, कितना धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस तरह से इन्होंने ये बीड़ा उठाया और यहाँ पर लगभग 700-800 आदमी को यहाँ पर लेके आए और यहाँ भव्यता के साथ देख रहे हैं कि बहुत सुंदर जो है दृष्टि दिखाई दे रहा श्री राम प्रभु श्री राम पुरुषोत्तम जी का। इसे देखते हुए आप क्या बताना चाहते हैं कि अयोध्या नगरी आज भारत ही नहीं पूरा विश्व जो है सलूट कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। ये अयोध्या पर्व जो यहाँ मनाया जा रहा है आज ये अंतिम चरण में है, इसका अंतिम दिन है आज। लेकिन जहाँ बात माननीय आदरणीय हमारे सांसद गलू जी की बात आती है, हम ये समझते हैं कि रामचंद्र जी के दूसरे हनुमान हैं। तो ये अयोध्या के दूसरे हनुमान हैं और जिस तरह से ये अयोध्या पर्व यहाँ मनाया गया है, 700-800 आदमी अयोध्या से चल करके भक्तगण आए हैं और ऐसे ऐसे भक्तगण आए, अभी आप देख रहे हैं बाबा जी को जो संकल्प ले लिए थे कि मैं भगवान भरत की तरह श्री राम के प्रिय भाई भरत की तरह आज ये जैसे राम चले थे 14 वर्षों तक मन में, वैसे नंगे पैरों चल करके भगवान राम के संकल्प को पूर्ण किया और उनको आज पुनः भव्य मंदिर में पहुंचाने का कार्य किया गया है। इसके लिए आदरणीय लल्लू दादा जी को हम हृदय से नमन करते हैं और भगवान अयोध्या में खैर सदैव से धर्मात्मा राजा होते हुए आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो महाराज हरिश्चंद्र रहे हों, चाहे शिव रहे हों, चाहे दधीच रहे हों और चाहे रघु महाराज रहे हों, राजवेंद्र सरकार रहे हों, लेकिन उसी कड़ी में एक धर्मात्मा राजा आदरणीय हमारे लल्लू सिंह, इसमें कोई शक नहीं है। और राजा ना कहिए उन्हें, हमें समझते हैं कि माननीय लल्लू सिंह जी साधु हैं, साधुवाद साधु ही उन्हें समझ लीजिए, जो साधना कर सके वही साधु है। जी जी, वो एक साधु की तरह रहते हैं, कभी उनके अंदर आप अहंकार के भाव नहीं देखे होंगे, कभी उनके अंदर राजनेता वाले लक्षण नहीं देखे गए, वो सदैव हनुमान गढ़ी के लड्डू खाने वाले और प्रभु राम के राम नाम के मन में धारण करते हुए और जिस तरह से उन्होंने अयोध्या का विकास किया और इस राम नाम ध्वजा को दिल्ली तक ला के लहरा दिया, आज हम अंतिम बार फिर कहना चाहते हैं कि लल्लू दादा जैसा नेता न हमारे अयोध्या में हुआ है और न होगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जो प्यार दुलार हम लोगों को मिलता है, आज तक किसी नेता में लक्षण को नहीं देखे गए, किसी भी नेता में लक्षण नहीं देखे गए। जी, जिस तरह से अयोध्या में विकास स्तर तेजी से बढ़ रहा है, स्वच्छता के लेकर आज जो है चमक रहा है राजघाट, चाहे लक्ष्मण घाट हो चाहे सबरी घाट हो, पहले देखते थे एकदम धूमिल हुआ करता था, आज जो है चमक रहा है, इसे किसका आप जो है श्रेय देना चाहते हैं? देखिए, अगर श्रेय की बात करें तो इसमें माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय योगी, माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय योगी और आदरणीय श्री श्री लल्लू सिंह,
इसका श्रेय तीनों लोग को जाता है क्योंकि जो विश्व स्तरीय कार्य हुआ है उसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका माननीय मोदी जी और प्रदेश लेवल पर जिस तरह से दीप उत्सव मना करके पूरी दुनिया को संदेश देने का कार्य किया है वो माननीय योगी और अयोध्या के एक एक चौखट पर जाकर के जो कार्य करने का काम किया वो आदरणीय हमारे सर। मैंने सुना है कि आप गायककार हैं कभी भी हैं तो इसे देखते हुए आप कुछ अपने अयोध्या के बारे में देश दुनिया को बताइए। देखिए अयोध्या जो है वो त्याग और अनुराग की धरती है, धरती है, जीवित गवाह है वो। और अयोध्या में अगर हमें भगवान राम को समझना है तो उनके साथ भैया भरत को भी समझना पड़ेगा। जिस जगह से त्याग की भावना पैदा होती है आप एक एक पात्र को देख लीजिए हमारे रामायण में, एक एक भूमिका जिनकी है जो अपने बचनों के लिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये महाराज दशरथ जी की एक भूमिका थी कि अपने बचनों के लिए प्राण दे दिया और उसी में भगवान श्री राम की भूमिका है कि उन्होंने उन बचनों को सार्थक करने के लिए एक क्षण भी लगाए बगैर को त्याग करके और वन की ओर चल दिए। जब यह संदेश मिला कि माता से आशीर्वाद देने गए और कहा बेटा चलो कुछ खा पी लो, तुम्हें राजा बनना है, तो राम ने कहा नहीं भैया मिल गई आज्ञा मुझे वनगमन के वास्ते, मिल गई आज्ञा मुझे यह वनगमन के वास्ते, छोड़ता हूँ ये नगर निज परण के वास्ते। दी भरत ने राजगद्दी आज से महाराज ने, दी भरत को राजगद्दी आज से महाराज ने, वनगमन मुझको दिया है निज वचन के वास्ते। कष्ट में जी स्वागत, क्या नाम है आपका? उमाशंकर सिंह। कहाँ से आए सर? अयोध्या निवासी। जी कैसा लग रहा है दिल्ली में? दिल्ली में बहुत अच्छा कार्यक्रम लग रहा है, जो अयोध्या पर्व का जो ये माननीय श्री लल्लू सिंह जी जो मना रहे हैं ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इससे प्रेरणा लेना चाहिए कि सब लोगों का जो है यहाँ पे आना भी ज़रूरी है और देख रहे हैं अभी इधर आ जाओ वो भी जो है अभी इधर आओ पूरा का पूरा समय दें और इस कार्यक्रम को देखें और भगवान श्री राम की अभी 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 नहीं जाऊँ जहाँ बोले रहे हूँ ना। हाँ छाहम ले आए ना। और अयोध्या में भगवान श्री राम का थोड़ा तेज बोलिए सर। अयोध्या में भगवान श्री राम का चैत्र रामनवमी के दिन जन्म हुआ और ये हर्षोल्लास के साथ में अयोध्या में संत महात्मा लोग सरजू माँ का दर्शन करके और मंदिर में आकर के भगवान की कपाट को आरती पूजा करके उनको जो है अपने हृदय के गहराइयों से प्रणाम और निवेदन किया और भगवान श्री राम की कृपा इसी तरह से हमेशा भक्तों के ऊपर, संतों के ऊपर और महर्षियों के ऊपर बनी रहे ये मैं हृदय से कामना करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम के चरण कमलों पर पूरा जो है विश्वास करके कोई भी काम करते हैं तो भगवान के चरणों में पूजा पाठ करके ही करते हैं, इसलिए भगवान की पूरी कृपा प्राप्त हो गई। जी मैंने सुना है कि आप 30-40 साल से जो है चप्पल नहीं पहनते हैं। हाँ। और जी कैसा महसूस कर रहे हैं अयोध्या की जब पावन धरती से, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये असर देना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, जब सपा की सरकार थी, मुलायम सिंह ने जब कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई तो उसी समय हमने संकल्प कर लिया कि हे प्रभु श्री राम जी आप जो है पूर्ण बहुमत की सरकार,
पूरे भारतवर्ष में और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी अपना होना चाहिए, तभी प्रभु श्री राम का निर्माण हो सकता है। और इस सपने को साकार किया प्रभु श्री राम ने, धन्यवाद उनको करता हूँ और उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि ये प्रभु श्री राम की जो नगरी है ये प्रभु श्री राम की है, ये किसी राजनेता की नहीं है। मैं उनको अवगत कराना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसा कदम मत उठावें कि जो हिंदू पर घोर कठोर अपराध साबित हो, नहीं तो उनको नाम और निशान मिट जाएगा। इस उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में ख़त्म हो जाएगा इनका नाम और निशान। जी, अयोध्या पावन धरती पर इस वक्त जो है पिछले 4-5 साल से दीप उत्सव मनाया जा रहा है, इसे देखते हुए आप योगी जी को क्या कहना चाहते हैं? योगी जी वो महापुरुष हैं, सन्यासी भी हैं, उनके बारे में सब लोग जानते हैं, कोई बात छिपी नहीं है। घर द्वार छोड़ करके गोरखपुर पीठ के महंत हैं और उन्होंने संकल्प लिया है कि जब किसी हिंदू या किसी गौ माता के ऊपर अगर अत्याचार कोई भी करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और उन्होंने संकल्प लिया कि जब मैं सरकार में आऊँगा तो प्रभु श्री राम का मंदिर बनाऊँगा, और उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया और उनका संकल्प हमेशा प्रभु श्री राम जी पूरा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय श्री राम। माता मेरी पाना नहीं काट कर 14 वर्ष आऊँ मिलन के बाद, लेकिन जब यही बात भरत जी को पता लगी, जब भरत जी ननिहाल से घर पर आए और भरतलाल को यह मालूम हुआ, तो भरतलाल जी ने क्या किया? भरतलाल जी ने कहा कि राम के अनुराग में यह भरत अनुरागी बना, राम के अनुराग में यह भरत अनुरागी बना, वास नगरी में करेगा किंतु सन्यासी बना, वास नगरी में करेगा किंतु सन्यासी बना। और वो भी भगवान राम की तरह भरत जी भी अपने महलों को त्याग करके नंदीग्राम में गड्ढा खोद करके और तप करने लगे। उसी धन्य है, एक वो लोग हैं जो मरते हैं राज पर, एक वो लोग हैं जो मरते हैं राज पर, वो भरतलाल ठोकर मार दिया ताज पर। ये त्याग की भावना और ये त्याग अयोध्या में सिर्फ पाया जाता है, सिर्फ अयोध्या में पाया जाता है। जब भगवान राम गंगा के किनारे पहुंचे, सुमंत ने कहा कि हे राम, घर से चलते समय महाराज दशरथ ने कहा था कि ले जाना इनको वन खूब दिखा देना, गंगा स्नान करा देना, फिर वापस यहीं फिरा लाना, मेरे लाडले राम को वन में नहीं छोड़ना। इसलिए हे राम अब आप वापस महलों को चलिए। उस समय राम ने सुमंत जी से कहा, ज्ञानवान हो मंत्री सर्वों की खान, सत्य बराबर तप नहीं कहते वेद पुराण, और कहा कि जब पिताजी की आज्ञा है मुझे तो मैं वन से पुनः घर कैसे वापस जा सकता हूँ, इसलिए मैं 14 वर्षों से पहले घर वापस नहीं जाऊँगा। मंत्री जी ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं, क्या मुझे खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा? राम ने कहा कि यदि मैं वापस जानते थे कि उनका जन्म धरा से धर्म की ध्वजा को लहराने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए भगवान राम का जन्म ही हुआ था, और वो अपने उन कर्मों को, अपने उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए वन को प्रस्थान किया, और वो जा करके संतों की सेवा की, जैसे वन में और वाल्मीकि जी सबरी जी के वैर खा करके उन्होंने संतों की सेवा करके अपने जीवन को यथार्थ किया। इस राम जन्मभूमि के दर्शन करने से वही पुण्य मिलता है। सबरी से ये भी कहा कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर मम प्रथा संगा, क्योंकि भगवान राम ने स्वयं संतों की संगत की थी और उस संगत में उन्हें जो लाभ हुए
उसे संसार को बताने का कार्य। तो ऐसे हमारे अयोध्या के राम, हमारे श्री राम, हम सबके प्राण प्यारे राम, जिन्होंने हमें जीना सिखाया, जिन्होंने हमें कर्तव्य का पालन करना सिखाया, त्याग सेवा निस्वार्थ भाव से संतों की सेवा, जिस हमें अगर राम को हम मानते हैं तो हमें राम के मार्गों पे चलना भी होगा। राम के मार्ग पे चल करके हमें ये इस पृथ्वी को पुनः राम राज की स्थापना की ओर ले जाना है, क्योंकि राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित गए भय सबों का, जब किसी के मन में शोक ना रह जाए। हला इस राम राज की स्थापना में हमारे योगी जी, मोदी जी और हमारे आने सांसद श्री ललू सिंह जी पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। अयोध्या पर्व पर सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन करता हूँ कि सब लोग जो इतना कीमती समय दे करके आप लोग आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।